सीवान में आज यूनानी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर धरना कर दिया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से सेशन कई सालों से पीछे हो गया है। वही 2016 से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया है कि इन्हीं के वजह से हम लोगों का सेशन पीछे चला गया है। वही धरना के दौरान छात्रों ने जमकर कॉलेज गेट पर बवाल भी काटा। छात्रों का कहना था कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम आगे चलकर इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे यही है कि 2016 के जो रजिस्ट्रेशन है उनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप की जाए और प्लस हमारे लिए एग्जाम के दौरान किसी टीचर को हायर किया जाए। हमारा सेशन लेट है, हमारे रिजल्ट जो है वो बहुत ही, ये भी कहा जा रहा है हमारे रिजल्ट को लेकर के हमारी सप्ली लगेगी, जबकि इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कोई एक्टिविटीज ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी एक कम्युनिटी बने, स्टूडेंट कम्युनिटी बने, जिसके द्वारा जो है मांगे पूरी, तो अगला कदम क्या होगा? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हमें स्ट्राइक पे रहेंगे अनिश्चित काल। ये आज आप लोग किस कारण हड़ताल पर बैठे? हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग हड़ताल पे हैं और हमारी सेशन 3 साल लेट है। हम लोग का 2015 में एडमिशन हुआ था लेकिन 2018 चल रहा है। अभी साल हम लोग का फर्स्ट ईयर फाइनल नहीं हुआ, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। 6-7 महीने हो गए हम लोग को एग्जाम देते हुए लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट आ भी रहा है तो वो सही नहीं आ रहा है। उस पर बहुत सारी प्रिंसिपल कमियां बता रही हैं कि आपका रिजल्ट ये होगा, सप्ली लगेगा और बहुत कुछ बोला जा रहा है। और यही सब हमने को मांगे हैं। और अगर प्रिंसिपल हमारी बातें नहीं सुनता, और प्रिंसिपल हमारी बातें नहीं सुनते हैं, ठीक है ना? प्रिंसिपल बहुत झूठा है और वो अपना बात किसी और पे थोप देता है। हमसे कुछ और कहता है, मैनेजमेंट से कुछ और कहता है, सेक्रेटरी कुछ और कहता है, मेंबर कुछ और कहता है।